पैसा डबल करने के नाम पर गुमला जिला के चैनपुर थाना अंतर्गत मड़ईकोना निवासी अनुरंजन टोपोवा क्षेत्र के भोले भाले जनता को 35 लाख रुपये का चूना लगाने वाले SSJ फाइनेंस कंपनी के उज्जवल सेन गुप्ता को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूरे मामले को लेकर बताया गया कि 28 सितंबर 2023 को गुमला जिला के चैनपुर थाना में नाथपुर निवासी पवन कुमार यादव और रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के उज्जवल सेन गुप्ता पर SSJ कंपनी में पैसा दोगुना करने का लालच देकर मोटी रकम ठगी करने का मामला अनुरंजन के द्वारा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 406, 419, 420, 467, 468, 34 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई किया है। मामला है, ये इस कांड के वादी अनुरंजन टोपो हैं और उनके जो आवेदन के आधार पर चैनपुर थाना कांड संख्या 4123 दिनांक 28/9/2023 को दर्ज किया गया है। इसमें जो कांड के प्राथमिक अभियुक्त हैं पवन कुमार यादव एवं उज्जवल सेन गुप्ता। जो कांड है वो कुछ इस प्रकार है, ये जो दोनों अभियुक्त थे इन दोनों के द्वारा जो लोग वहाँ के लोकल जनता है जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, उनको जो है पैसा दोगुने का लालच देके SSJ फाइनेंस कंपनी के नाम से जो है उनसे बहुत बड़ी अमाउंट जो है ठगी किया गया है। जो वादी है उनसे लगभग 25 लाख रुपए इनके द्वारा ठगी किया गया है और भी कुछ पीड़ित हैं उसी गाँव में आसपास के जिनसे 10 लाख और 25 लाख के अलावा लगभग मतलब कुल 35 लाख के आसपास इनके द्वारा ठगी किया गया है। तो इसमें जो है आज कल दिनांक 5 को एक जो प्राथमिकी अभियुक्त उज्जवल सेन गुप्ता जो फरार चल रहे थे उनको जो गिरफ्तार करके आज जेल जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और उनके द्वारा अपना कांड स्वीकार भी किया गया है और इनके पास से दो मोबाइल फोन बरामद है। छापामारी दल जो है हमारा उसमें संबंधित था तो इस कांड में जो है विशेष रुचि लेने को थाना प्रभारी को आदेश दिया गया था और उनके द्वारा भी काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए रीज भी कराया गया है ताकि जो है अगर अदालत न्यायालय को लगता है माननीय न्यायालय को लगता है कि जो वापस जो पीड़ित हैं उनको दिया जा सकता है तो उससे संभवतः वो कल को राशि वहाँ उनको मिल भी सकती है।